राग कालिंगड़ा सीखने और अभ्यास करने के लिए एक राग के बारे में जो चार पांच चीजें मालूम होनी चाहिए उसमें ठाट, जाति, वादी, संवादी और गाने का स्वर। ठाट इसका भैरव है, जाति संपूर्ण संपूर्ण सातों स्वर गाए जाते हैं दोनों तरफ से, और वादी संवादी इसका प और सा है, गाने का समय प्रातःकाल। भैरव में और इसमें बहुत थोड़ा अंतर है, सुर वही है, चलन का अंतर है। रे और ध पे भैरव में आंदोलन होता है, इसमें आंदोलन नहीं होता। इसकी चाल थोड़ी सीधी है, जबकि उसमें कुछ स्वर छोड़ दिए जाते हैं, जैसे गौमा रेशा में ग छूट जाता है, गौमा धापा में प छूट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति भैरव की ज़्यादा गंभीर है इसके तुलना में। आरोहरो पकड़ एक बंदिश और थोड़े से अलापता Oh, my God.
सुने।